हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। काफ़ी दिन से दोस्तों वीडियो मतलब अपलोड नहीं हो पा रहा था, चूँकि मैं था नहीं यहां पे, शहर में था। अभी आज आया हूं तो सोचा हूं कि कुछ वीडियो अपलोड कर दूं। तो टॉपिक लेके आया हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल का कई वीडियो अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाके भारत का भूगोल नामक प्लेलिस्ट बना है, वहां से देख लीजिए। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा भारत के भूगोल को पढ़ने का, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। यानी किसने किसने बांटा गया है तो इसको ध्यान से देखिए। पहले नंबर पर है आपसे प्रकार पूछ दे, यानी भारत के भौतिक स्वरूप का प्रकार पूछ दे, भेद पूछ दे, वर्गीकरण पूछ दे। तो तीनों का मतलब एक ही है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे पहला दिया है उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक, उत्तर का विशाल मैदान, फिर कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार, फिर कह रहा है समुद्र तटीय मैदान, फिर कह रहा है मरुस्थलीय मैदान, फिर आपका द्वीप समूह। अगर सही मायने में देखा जाए तो इन्हीं 6 टॉपिक में पूरा भारत का भूगोल ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसी में आपके पर्वत आएंगे, तो पर्वतों से बहने वाली नदियां आ जाएंगी, पर्वतों के वन आ जाएंगे, है ना, पर्वतों में रहने वाले जनजातियां आ जाएंगे, है ना, वहां की मिट्टी आ जाएगी। तो ऐसे उत्तर के विशाल के मैदान में आएंगे तो यहाँ रहने वाले लोगों की जनसंख्या, कृषि प्रकार, है ना, रहन सहन, वेशभूषा, नदियां, है ना, मिट्टी, ये सब आ जाएगा। तो इन्हीं 6 टॉपिक पे पूरा भारत का भूगोल का पूरा समीकरण इसी के इर्द गिर्द क्या होता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो इसको 6 प्रकार के भागों में बांटा गया, वैसे मुख्यतः 4 ही बताए जाते हैं, उत्तर का पर्वतीय भाग, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और मरुस्थलीय मैदान, लेकिन मुख्य रूप से 6 होता है। कौन कौन से 6 होते हैं इसे मैप के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि उत्तर का पर्वतीय भाग, तो सबसे पहले यह समझिए कि मानचित्र में हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, और दाहिने आपका हमेशा पूरब होता है, और इधर आपका क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। यानी ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिने पूरब, बाएं पश्चिम होता है। यहां से भारत जो है यह एक पर्वत श्रृंखला है बीच में, जिसे विंध्याचल पर्वत के नाम से जानते हैं। यह विंध्याचल पर्वत ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी भारत कहता है, क्या कहता है, उत्तरी भारत कहता है, और पर्वत श्रृंखला यानी विंध्याचल पर्वत के नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। तो यहां जो विंध्याचल पर्वत है ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी भारत और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी भारत, यहीं से अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये पश्चिमी एरिया कहलाएगा और ये पूर्वी एरिया कहलाएगा, और सबसे लास्ट का जो एरिया है पूर्वोत्तर कहा जाता है। समझ में आने का मतलब यह है कि विंध्याचल पर्वत भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, एक उत्तर का भाग और एक दक्षिण का भाग। इसी उत्तर के भाग में जो उत्तर का पर्वतीय भाग दिया है आपका, ये जो जम्मू कश्मीर है, शिमला है ना, इधर आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, इधर आते हुए अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो मैं बनाया हूं यानी ये जो ग्रीन है, ये ऊपर का जो 3 ग्रीन है, यह जो कहलाता है ट्रांस हिमालय, क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसके बाद जो ये नीला रेखा से हमने खींचा है यह आपका कहलाता है वृहद या महान हिमालय, हिमालय, ठीक है, उत्तर का ये पर्वतीय भाग आपको बता रहे हैं। इसके बाद ये जो हरे लाइन से मैंने खींचा है रंग से, ये आपका कहलाता है लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है।
और जो ये काला से मैंने बनाया है यह आपका कहलाता है शिवालिक हिमालय। समझ में आ गया? तो ये ट्रांस हिमालय है जो तीन पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम है, लेह है ना, जास्कर है, तो ये तीन जो है ट्रांस हिमालय कहलाते हैं। इसके नीचे वाला बृहद हिमालय कहलाता है, जहां पे सबसे विश्व के सबसे बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। उसके ठीक नीचे यहाँ पे आपका है लघु हिमालय, और उसके नीचे ये वाला जो पर्वत है श्रृंखला, इसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो इधर का जो एरिया है इसको कहते हैं भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है उत्तर का विशाल मैदान। अब देखो ये यहां से ही उत्तर शुरू हुआ है, तो ये लगाए पंजाब, थोड़ा सा हरियाणा, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर थोड़ा सा उत्तराखंड, बिहार, और इधर तक पश्चिम बंगाल था। ये वाला एरिया जो है उत्तर का मैदान कहलाता है, उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तीसरा कह रहा है प्रायद्वीपी पठार। देखो यहां विंध्याचल पर्वत के नीचे ये जो मैंने एरो इधर लगाया है, इसी के अंदर आपके प्रायद्वीपी प्रायद्वीपी पठार आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ? प्रायद्वीपी पठार, इसीलिए साउथ इंडिया को प्रायद्वीपी पठार के नाम से भी जानते हैं। अब देखो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से घिरा हुआ हो। तो इधर देखिए आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इधर आपका हिंद महासागर, और इधर आपका अरब सागर है। ठीक है, तो एक तरफ इधर जल से घिरा हुआ है, एक तरफ इधर जल से घिरा हुआ, और एक तरफ इधर जल से घिरा हुआ, तो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। और स्थल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो तो उसे हम द्वीप कहते हैं। जैसे ये देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसके चारों तरफ टापुओं के चारों तरफ जल से घिरा हुआ है तो उसे हम द्वीप कहते हैं। और महाद्वीप किसे कहेंगे? द्वीपों के बहुत बड़े भाग को महाद्वीप कहेंगे। ठीक, तो ये आपका दक्षिण का पठारी भाग हो गया। अगला कह रहा है समुद्र तटीय मैदान। अब देखो इधर ही ना समुद्र है, इधर एक समुद्र है, एक समुद्र इधर है और एक समुद्र इधर है। तो ये जो एरिया है यहां से तो स्थलीय सीमा शुरू होता है, यहां से इधर पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, इधर चीन है, फिर इधर आपका क्या बोलते हैं नेपाल है, इधर भूटान है ना, इधर म्यांमार है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल तक इधर का एरिया जो है वो क्या है, स्थलीय सीमा, ये जलीय सीमा। तो जो समुद्र में है तो समुद्र के इधर किनारे का जो एरिया है इधर, यानी कि हम कह सकते हैं जो ये मैं एरो दे रहा हूं, यह समुद्र तटीय मैदान है। कौन से मैदान है? समुद्र तटीय मैदान है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे भारत के भूगोल में अध्ययन करेंगे, इसको बांटा गया है। अगला कह रहा है मरुस्थलीय प्रदेश। देखो ये आपका गुजरात है, तो गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा हरियाणा पंजाब का हिस्सा, और आपका राजस्थान का हिस्सा, ये आपका मरुस्थलीय प्रदेश है। मरुस्थल जिसको थार का मरुस्थल कहा जाता है, थोड़े से आपको इधर भी मिलेंगे, थोड़े से ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे पांचवें नंबर में। और द्वीप समूह, द्वीप समूह मतलब ये आपका देखिए लक्षद्वीप है, तो इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि कौन सा इसमें द्वीप बड़ा है, कौन सा छोटा है, कितने डिग्री चैनल इसको अलग करता है। और इधर आपका अंडमान है, क्या है? अंडमान, और नीचे वाले हिस्से को निकोबार कहा जाता है। यहीं से 10 डिग्री चैनल जो है इसको डिवाइड करती है, एक को अंडमान कहती है और दूसरे को निकोबार कहती है। तो ये द्वीपों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो आपका ये पड़ोसी देश है श्रीलंका, और इधर आपका मालदीव है, दो पड़ोसी देश हैं जो समुद्र के एरिया में अपना सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यह जो है एक मोटी मोटा मतलब भारत को लगभग 6 प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद ये जानना है कि किस प्रकार से यहाँ पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुआ है। ठीक, चलिए ये जो पर्वत श्रृंखला है इधर पश्चिम एरिया में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, और जैसे जैसे पूर्व की तरफ आती है ये, तो यह क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। इसलिए पतला होने के कारण दबाव अधिक था, तो इसलिए यहाँ के पूर्वोत्तर एरिया में हिमालय पर्वत की जो चोटी है वो बड़े बड़े चोटियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है,
तो देखो कहेगा कि इधर आते हुए पर्वत श्रृंखला पतला हो जाता है और इधर से एक आता है भारत की तरफ ऐसे, तो इसे कई नामों से जानते हैं, जैसे मिजोरम है और जितने भी चीजें हैं, यहाँ पर्वत श्रृंखला को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक यहीं से पर्वत श्रृंखला ऐसे निकल जाती है आपका म्यांमार की तरफ, ठीक है, तो ये म्यांमार की तरफ दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, फिर हिमालय पर्वत इधर की तरफ आती है तो पाकिस्तान में एक ऐसे निकल जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं सुलेमान, सुलेमान पर्वत श्रृंखला, यह पाकिस्तान की तरफ दक्षिण की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है ऐसे, ये पर्वत श्रृंखला, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, यही हिमालय का ही भाग है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है जो पाकिस्तान में मुड़ता है इधर से दक्षिण की तरफ, तो उसे सुलेमान पर्वत कहते हैं। और इधर से एक अफगानिस्तान की तरफ मुड़ता है, यही पर्वत श्रृंखला तिब्बत का जो पर्वत श्रृंखला है इधर, तो इसको हिंद कुश पर्वत कहते हैं, हिंद कुश पर्वत श्रृंखला। बस समझ में आ गया, तो पूछेगा ये भी दक्षिण की तरफ जाके अफगानिस्तान में मुड़ जाता है और ये पाकिस्तान में आ जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझेंगे कि ये जो हिमालय पर्वत है ये, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है। इसके दो थ्योरी लिखे गए हैं, क्योंकि इस हिमालय पर्वत को कई नाम से जानते हैं, मोड़दार पर्वत, बलित पर्वत, सबसे नवीन पर्वत, जैसे जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, मोड़दार पर्वत, बलित पर्वत और नवीन पर्वत। तो किस प्रकार से यह बना है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, फिर अगला वीडियो में जो लेके आऊंगा वो भारत का पर्वतीय क्षेत्र आएगा, जिसमें हम पर्वतों के बारे में जानेंगे। आज सिर्फ मोटी मोटा हम लोग जान रहे हैं पर्वत श्रृंखला किधर कैसे घूमी हुई है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले दो थ्योरी लिखा गया है जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। एक हिमालय की उत्पत्ति में भू सन्नति सिद्धांत लिखा है कोबर ने, और यह कोबर जो थे वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कौन? जर्मनी के वैज्ञानिक। इनके अनुसार पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुआ था तो सभी महाद्वीप एक में थे, जिसे पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था, यानी हमने इसको लिख दिया पेंजिया महाद्वीप, ठीक है। क्या हो गया? पेंजिया महाद्वीप हो गया। इस पेंजिया महाद्वीप का बहुत साल लगा और बहुत सालों बाद जो है इसका विभाजन हो गया दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में, यानी अब दो महाद्वीप बन गए। एक बन गया आपका अंगारालैंड, अंगारालैंड, और दूसरा हो गया गोंडवानालैंड। क्या हो गया? गोंडवानालैंड। समझ में आ गया? भारत जो है इसी गोंडवानालैंड का क्या है? हिस्सा है, ठीक है। दो, पहले एक महाद्वीप था, सब एक में थे, जैसे ऐसे मैंने कर दिया, सब महाद्वीप एक में थे, तो इसे बोला जाता था क्या? पेंजिया महाद्वीप। इसका विभाजन दो भागों में हुआ, एक अंगारालैंड और दूसरा गोंडवानालैंड। धीरे धीरे यह परिवर्तन यह किस प्रकार से हुआ कि इधर का हिस्सा इधर खसकने लगा और इधर का हिस्सा, यानी पृथ्वी का जो बल है एक दूसरे के विपरीत काम करने लगा, तो ये जो स्थल है खसकने लगा। तो पहले दो हुआ, पहले एक में था पेंजिया, दो हुआ अंगारालैंड गोंडवानालैंड, धीरे धीरे खसक रहा है, ठीक है। और खसकते खसकते अभी कितने महाद्वीप हो गए? सात महाद्वीप हो गए, जिसमें एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा देश है, उसी एशिया महाद्वीप का टुकड़ा कौन सा देश है? भारत है, तो ये भारत हो गया, ठीक है। इस भू सन्नति सिद्धांत में कोबर ने कहा कि जब ये खाली जमीन हो गया तो इसमें क्या भरने लगा? जल भरने लगा, ठीक है। क्या भरने लगा? जल भरने लगा। इसे ही कहा जाता था तिथिज महासागर, तिथिज महासागर। और अंगारालैंड का, गोंडवानालैंड का मलबा आके इसमें जमा होता था और पर्त दर पर्त दर पर्त दर पर्त दर पर्त इसमें बैठता चला जाता था। अब पृथ्वी का दबाव क्या किया? आमने सामने काम किया, यानी जो खिसक रहा था एक इधर जा रहा था किधर, अब यहाँ पे ये एक दूसरे के आमने सामने काम करने लगे, तो यहाँ पे एक बलन की प्रक्रिया शुरू हुई और विश्व की सबसे पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। आप कहेंगे सबसे पर्वत श्रृंखला तो एंडीज पर्वत है। नहीं, देखो एंडीज पर्वत या दुनिया के जितने पर्वत हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ हैं। और जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो आपका हिमालय पर्वत हो जाएगा। समझ में आया? तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ
हिमालय जो है पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होगी और उत्तर से दक्षिण की तरफ विश्व में जितनी श्रृंखलाएं हैं सारी लंबी लंबी उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये पहला सिद्धांत था किसका, भूसन्नति का सिद्धांत, कोबर जो जर्मनी के थे। इसके बाद दूसरा एक सिद्धांत लिखा गया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये हैरी हैस ने लिखा था। इनके द्वारा भी इसी से मिलता जुलता था, क्या था देखिए, जैसे मैंने भारत का हिस्सा बना दिया, भारत का ये वाला ट्रांस वाला जो हिमालय था, ये वाला यह हिमालय पर्वत बनने से बहुत पहले ही बन चुका था। ठीक है, तो देखिए यहां पे हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ था, तो 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, यहां पे बनना शुरू हुआ था और इसको बनने में लगभग 70 लाख वर्ष बने थे। कितने, 70 लाख वर्ष लगा था बनने में यहाँ पे पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो दो चीज याद रखिएगा, 5 करोड़ वर्ष पूर्व और 70 लाख वर्ष लगा था इसको बनने में, तब इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर हुआ, जिसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो नेपाल देश में है, जिसको नेपाल देश में सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो 70 लाख वर्ष लगा तब जाके एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसको हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, और इसी हिमालय पर्वत को हम कहते हैं मोरदार पर्वत, वनित पर्वत या नवीन पर्वत। कैसे बना देखिए, अब इसी चीज को यहां पे मैंने गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत का कर दिया। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या था कि हैरी हैस ये कहते थे कि पृथ्वी जो है लगभग 6 प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जिसमें इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, जैसे एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशियन प्लेट है, साउथ अफ्रीका प्लेट है ना, तो इस प्रकार से कुल 6 प्लेटों से मिलकर बना। और यह प्लेट जो है कभी कभी क्या होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, कभी एक दूसरे से अलग दूर हो जाते हैं। ठीक ना, और यह क्रिया होने में कई लाख वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार साउथ अफ्रीका का जो प्लेट है उसी से इंडियन प्लेट बना, जो इधर की तरफ खसकना शुरू हुआ, और अंगारा लैंड, इधर का अंगारा लैंड और इधर का गोंडवाना लैंड, ये दोनों के बीच में ये था आपका टीथीज महासागर। और इसी टीथीज महासागर में तो कहा जा सकता है टीथीज महासागर कभी बंगाल की खाड़ी और कभी अरब सागर और हिंद महासागर से क्या हुआ था, मिलता जुलता समुद्र था। तो ये प्लेट इधर खसकने लगा, किसके अनुसार, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हैरी हैस के अनुसार ये प्लेट खसकने लगा और इधर अंगारा लैंड था, और ये खसकते 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 खसकना शुरू हुआ, तो बीच में जो मलबा था वो ऐसे पर्वत श्रृंखला यानी बलन की प्रक्रिया हुई और ऐसे हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जिसको 70 लाख वर्ष लगे, यानी 5 करोड़ वर्ष शुरू हुआ ये दबाव की क्रिया और 70 लाख वर्ष लगे तब जाके हिमालय पर्वत बना, जिसको नवीन पर्वत के नाम से जानते हैं, या सबसे नवीन पर्वत है बाबू, 5 करोड़ वर्ष पहले जो बना है पर्वत उसको नवीन पर्वत के नाम से जानते हैं। और इधर जो प्रायद्वीपी पठार है वो लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व बना है, इसलिए यहाँ की चट्टान बहुत मजबूत है, इसलिए इधर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आता है, और यह बहुत नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत, इसीलिए जो है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि यहाँ की चट्टान बहुत मतलब ताकतवर नहीं है, उनकी पकड़ने की शक्ति क्या है, थोड़ी कमजोर है, इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो ऐसे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जो विश्व की सबसे लंबी चोटी का निर्माण हुआ, जिसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो नेपाल देश में है, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, तो ये मैं नेपाल, ये मैं आपको हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इसलिए बता रहा था क्योंकि आप जो है पढ़ेंगे, अगला जो वीडियो आएगा वो हिमालय आपका भारत का उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्रों के विषय में आएगा, तो वहां समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ये पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग, यानी उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उस उत्तर में ट्रांस हिमालय है, तो वहां कौन कौन सा दर्रा गुजरता है, कौन कौन सी सुरंग गुजरती है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, किसका भाग है, बृहद हिमालय क्या है, लघु हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय क्या है, शिवालिक हिमालय क्या है ना, तो पर्वतों के बारे में हम लोग वहां पे जानेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में आएंगे उत्तर का विशाल मैदानों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।